एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे एक वेडिंग लुक क्रिएट करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूं। वैसे मुझे मेकअप करना आता तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मतलब आता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं आता है। मैं एक, आप कह सकते हो कि बिगनर हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं प्लीज़ देख लेना। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना प्यार प्यारे से, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, ताकि आपको जो भी मेरी और भी वीडियोस आएंगी उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो सबसे पहले हम अपने फेस को एकदम क्लीन कर लेंगे, फेस वॉश कर लेंगे, ताकि हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो पाए और हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाए। बस इससे सो फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए हमेशा मेकअप से पहले। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद अच्छे से पूरे फेस पे मसाज कर लो। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के तुरंत बाद आप प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई कर लो। प्राइमर से क्या होता है कि हमें जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व हो जाती है, ओपन पोर्स क्लोज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इससे मेकअप में ग्लो भी आता है काफ़ी ज़्यादा। प्राइमर के बाद अब हम अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। मैं फिंगर टिप से अप्लाई कर लेती हूँ पहले। अब हम ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को सेट कर लेंगे डैब डैब करके। आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप हाथ से भी, अपने हैंड से भी डैब डैब करके इसको सेट कर सकते हैं अच्छे से। तो अब हमारा फाउंडेशन एकदम सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमारी बारी है किसकी, अपने आईब्रोज़ को फिल करने की। तो मैं ब्रश से अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी अब जल्दी जल्दी से। अरे ये मेरे हैंड कैसे क्रॉस हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई और ही मेरा मेकअप कर रहा है। अब मेरी आईब्रोज भी सेट हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी इसको फिनिशिंग देने के लिए कॉम्ब कर लेती हूँ। देखा है कभी आईब्रो पे कॉम्ब? सो नाउ इट्स टर्न फॉर आई शेडो। तो मैं ज़्यादा ओवर आई शेडो तो नहीं लगाऊंगी, बस हल्की सी गोल्डन कलर की मैं अप्लाई कर लूँगी, ताकि आई लिड मेरी जो है थोड़ी स्पार्कल स्पार्कल सी लगे। ये थोड़ा स्पार्कल वाला है आई शेडो मेरे पास, तो बस इससे थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए लगा रही हूँ। तो अब जल्दी से हम अपना आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई हो चुका है, उसके बाद हम लिप लाइनर अप्लाई करके अपने लिपस्टिक को अच्छे से लगा लेंगे। मेकअप तो हो चुका है कंप्लीट। मैं और ज़्यादा मेकअप तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है और ज़्यादा। तो इसलिए आप बताना प्लीज़ कि कैसा लग रहा है ये। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी इसके बाद।
सो देख लो, ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे तो ऐसा ही मेकअप आता है, अब थोड़ा बहुत आता है, जितना उतना मैंने आपको करके दिखा दिया है, बताना कैसा है। नाउ हेयर इज़ द कम्प्लीट लुक। आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़। सो इट्स ओवर गाइज। तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही हूँ ना? मुझे पता है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ? चलो ठीक है, मैं जैसे भी लग रही हूँ आप कमेंट्स में बता देना मुझे पक्का। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ, बेल आइकन है ना वो घंटी, उसको भी प्रेस ज़रूर करके जाना, ताकि मेरी जो भी और भी वीडियोज़ आएगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।